मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ, लेकिन ये समझना कि जिस रोटी के लिए ताना मारे वही रोटी तुम्हें मुस्ताद हो जाएगी। मैं यहाँ यह करके मैं निकल गई। मेरा पति भी थोड़ा बोला कि मैं भी भाजपा के पार्टी से हूँ, यहाँ पे सपा का झंडा गाड़ लेना रहा, मतलब उसे चाहे जहाँ मार दीजिए, चाहे जिस जगह मार दीजिए, दिमाग है। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय हम जनपद जौनपुर के बधवा बाजार के एक नज़दीक गांव में स्थित हैं, जहां पे आपने देखा होगा एक बच्चा जिसका विद्यालय के ऊपर आरोप लगा है कि वहां उसको मारा गया और उसका वो उसी में एक्सपायर हो गया। तो उसी जैसा मैटर मामला एक और आया है हमारे सामने। आइए हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं क्या है इनके बच्चे का मैटर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, मुझे ये बताइए आपका बच्चा उस विद्यालय में कब से पढ़ रहा है? 8 साल हो गया। 8 साल से? तो क्या मैटर है जो आपके विद्यालय आपके बच्चे को मारा गया और फीस फीस के लिए सुनाया गया? ऐसा है सर, वो लोग मतलब ये नहीं बोलते, कभी फीस के लिए बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि विदाउट ड्रेस में आया है, कभी बोलते हैं लेट आया है, कभी बोलते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनता, कभी बोलते हैं कि ये लिखता पढ़ता नहीं है, मतलब अलग अलग ढंग की बातें करते हैं। उसी को ले लेके बुलाते हैं, कहते हैं, लेकिन मैं कभी जाती नहीं हूँ। लेकिन इस बार वो लोग मुझे मतलब इतना परेशान कर दिए, इतना परेशान कि मैं 1 महीने में 3 बार गई, तीसरी बार गई तो ये घटना घटना। उस दिन जिस दिन घटना घटी थी आपने क्या देखा वहाँ पे? हम वहाँ घटना के समय हम नहीं थे, हमारे आने के बाद वो घटना हुई थी। अच्छा, तो आपके जो बच्चे को बुलाया गया, बच्चे को गार्जियन के रूप में आप गई थी, तो आपसे किस प्रकार से वो लोग बात किए, क्या किस विषय बात किए? अरे वो लोग तो एकदम मतलब जैसे मार धार करने के विषय पे वो लोग नाम काट देने के लिए यही धमकी दे रहे थे और ना पढ़ाने की धमकी दे रहे थे। मतलब टीचर के रूप में वो लोग नहीं मिले मुझसे, जैसे मेरा दुश्मन है कोई। हाँ, इस तरह से वो लोग मुझसे बात करे और 100 नंबर के साथ बात की मुझसे। मतलब अगर वो टीचर है तो 100 नंबर वहाँ के सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं ले जाती 100 नंबर वो ठीक था, लेकिन उनके उनके ऊपर ये शोभा नहीं देता था। लेकिन मैं ये नहीं, आप जब उस समय वक्त मौजूद थी तो 100 नंबर भी आया था। मैं गई उसके बाद ये लोग बुलाए 100 नंबर। तो 100 नंबर वाले भी कुछ कहे आपसे? वो लोग उन्हीं की तरफदारी ले रहे थे। जब मैं वहाँ से रो के निकली, मैं बोली मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा नहीं। लेकिन एक बात है, मैं सत्य बोल रही हूँ, अगर सत्य होगा तो आरके ने मुझे बोला था कि तुम्हारा पति इतना होता तो कहीं सरकारी नौकरी पे रहता, यहाँ पे क्यों रखी हो, किस लिए? मैं बोली ठीक है, जब मैं सरकारी नौकरी मेरा पति रहता तो मैं यहाँ आती क्यों, किस लिए? मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ, लेकिन ये समझना कि जिस रोटी के लिए ताना मारे वही रोटी तुम्हें मुस्ताद हो जाएगी। मैं यहाँ यह करके मैं निकल गई। मेरा पति भी थोड़ा बोला कि मैं भी भाजपा के पार्टी से हूँ, यहाँ पे सपा का झंडा गाड़ लेना राजू सर, और अपना पढ़ा लेना, मेरे बच्चे का नाम काट के निकाल दूँ। तो वो 100 नंबर मेरे पास मेरे पीछे चल दी और वहाँ पे जाके हम लोग उनसे बोलने लगी, चलो जाने दो, जो गलती हुआ होने जाने दो, और वहाँ पे अपना बच्चा पढ़ाओ। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोले नहीं, बोले चलो थाने पे हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग बोले मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए भैया, मेरा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए और मुझे पुलिस केस, थाना, FIR, मुझे कुछ भी करना नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वो बोले नहीं चलो चलना है, तो हम लोग बोले चलो हम कल देखते हैं, जैसा मैटर रहेगा हम ऐसा करेंगे। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे, क्या जरूरत है मुझे थाना पे जाने की? अगर जब नहीं करेंगे भाई, हमारे बच्चे का कहीं पर नाम नहीं लिखा जा रहा है, साल भर मेरा बच्चा बैठेगा तो ये लोग नहीं मानेंगे, तो हम भाई थाने पे जाएंगे। तो मतलब विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन आपने देखा होगा इस समय तमाम ऐसा मामला आ रहा है विद्यालय के प्रति लेकर कि वहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक परिवार के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति वो कटाक्ष कर रहे हैं, उनके पर्सनल व्यवहार पे वो कटाक्ष कर रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप नौकरी नहीं करवा सकते, इस प्रकार का आपको क्या लगता है कहने का मतलब उनका? कहने का मतलब मेरा ये है सर, जब वो हमसे अच्छे से पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हैं तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? अगर ये बात हमको पहले से मालूम होता तो हम बच्चे को वहाँ पे डालते नहीं, क्योंकि हम लोग दो दो रोटियाँ काट के हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसमें जब बच्चे को शिक्षा नहीं मिले, जो बच्चे को हम शिक्षा दें उल्टा वो भी चला जा रहा है, तो क्या मतलब निकला? आपके मतलब कितने बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं? हमारे पास 3 बच्चे है ही है, 2 बच्चियां हैं और 1 बच्चा है। तीनों का फीस लगता है? तीनों का फीस लगता है, वो लोग फीस माफ नहीं किए हैं। जहाँ तक आपको पता होगा कि हर विद्यालय में एक परिवार से अगर 3 बच्चे हैं तो वहाँ 1 बच्चे का फीस माफ रहता है, लेकिन इस विद्यालय में ऐसा नहीं है, जिसके चलते ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो मैं इन बच्चे से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या है मामला, क्या किसको लेकर आपको विद्यालय से निकाला गया था या डांट पड़ी थी? विद्यालय को लेकर के हमको डांट पड़ी थी श्री रमाकांत यादव के चलते, और वो हमको बाहर किए थे, हम विद्यालय थोड़ा देर से पहुंचे थे, हम उनको बोल रहे थे 1 हफ्ते से
और वहाँ के जो बड़े बाबू हैं उनसे भी बोले थे कि हमारा आप एक पास बना दीजिए, लिखित दे दीजिए, और हम विद्यालय समय से नहीं पहुँच पा रहे हैं। काफ़ी बच्चों का पास बनाए हैं 12th में, तो हम बोले थे हमारा भी पास बनाइए, हम ग्यारह जैसे अपनी क्लास अटेंड करेंगे। क्या कारण है कि आप लेट जाते हैं विद्यालय? लेट इसलिए जाते हैं कि हम बीड़ावादनी कोचिंग क्लासेस में हम कोचिंग करते हैं, और इसीलिए हमारा कोचिंग जो है वो 9 बजे का है, 9 बजे तक चलता है। हम उनसे बोले थे कि हम विद्यालय देर पहुँचेंगे, तो जिसको लेकर के हम उनसे बोले थे कि हमारा पास बनाइए, वो पास बनाने को तैयार नहीं हुए थे, और हमारे पेरेंट्स लोग जब विद्यालय गए तो वो भी बोले उनसे पास बनाने के लिए, वो पास बनाने से तैयार नहीं है। जी, तो आप जिस दिन ये घटना घटी थी विद्यालय में, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की घटना थी, उसके विषय में कुछ जानकारी है आपको? उसके विषय में हमें जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक हुआ है हमारे साथ तो हम जान रहे हैं, उस हिसाब से तो वो जो जैसा है कि हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि अब वो जो समारोह जो हुआ है, अब उसके बारे में तो हमें पता नहीं है बराबर, लेकिन हम ये इतना जानते हैं कि जब वो इस प्रकार का है रमाकांत यादव, तो उस प्रकार से उसके बारे में तो हो सकता है कि वो ऐसा किया होगा, हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। 8 साल से लगातार आप पढ़ रहे हैं जी, पहले की अपेक्षा अब समस्या बढ़ रही है या पहले से ही ऐसी थी? पहले की अपेक्षा अब समस्या बढ़ रही है। कितने समय से? कम करीब 1-1.5 साल से। बस वही RK यादव ही हैं कि और कोई? बस यही हैं, ये बच्चे को हर समय प्रताड़ित करते रहते हैं। मतलब कि नहीं, जितने भी बच्चे हैं हमारे क्लास में, कम से कम 2-4 6 को छोड़ करके सभी को इस तरह की बात करते हैं उनसे। मतलब कि अगर उनको बच्चों को याद नहीं रहेगा तो उनको खड़ा करेंगे, उनका कर्तव्य है वो खड़ा करें, हम नहीं करें। विद्यालय का जो नियम है उसको न तोड़े, लेकिन ये कोई बात थोड़ी है कि मतलब उसे चाहे जहाँ मार दीजिए, चाहे जिस जगह मार दीजिए, दिमाग है कहीं उसमें लग जाएगा। मारे थे कहाँ? मारे थे आपको? हमको सर गर्दन में मारे थे, पीछे यहाँ पे मार दिए। अच्छा, उस समय वही फीस के मैटर में या और कोई मैटर था? नहीं, उसमें हम विषय जो हमारा था थोड़ा वो पूरा नहीं था, तो विषय बोल थे इसका पूरा है वो लोग खड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठ जाएं, तो हम बैठ गए थे उसी लिए। अच्छा, आप बैठ गए थे इसलिए मारे थे? इसलिए मारे थे, 3 झापड़ मारे थे, 2 झापड़ हमको पीठ में मारे थे और 1 मुक्का खींच करके यहाँ गर्दन हमको मारे थे। तो क्या उस वो प्रिंसिपल है, पढ़ाते नहीं है? पढ़ाते भी हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया टीचर भी हैं, लेकिन बस केवल उनकी आदत जो है सही नहीं है, उनका मानसिकता सही नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं उनके प्रति, कि उनके वो पढ़ाएं या फिर अब न पढ़ाएं उस विद्यालय में? पढ़ाएं, अगर अच्छे से पढ़ाना है तो पढ़ाएं, बाकी अगर ऐसे ही पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएं तब। चलिए, तो आपका बच्चा लगभग 8 साल से उसमें पढ़ रहा है, क्या कभी और कंप्लेन आया था? जी, क्या ड्रेस के लिए केवल कंप्लेन आया था कि तुम्हारा बच्चा रोज विदाउट ड्रेस में आता है। तो हम बोले कि सर जब रोज विदाउट ड्रेस में आता है तो हमारे पास बच्चे को भेजिए, नहीं तो हमको फोन करके हमको बुलाइए, क्योंकि यहाँ से रोज ड्रेस में जाता है तो, और यहाँ से और बाकी का ड्रेस तो लेके जाता नहीं, कहीं दुकान से पहनता होगा। तो वो बोले कि ठीक है, लेकिन वो 8 दिन तक बोले कि तुम्हारा बच्चा विदाउट ड्रेस में आता है, लेकिन कभी मुझे उसको विदाउट ड्रेस में पकड़ा ही नहीं। मतलब यहाँ से ड्रेस पहन के जाता था, उनको वो कहते थे आपसे कि ड्रेस में नहीं आ रहा, नहीं आता था। दोनों बच्चियों से पूछी कि भैया विदाउट ड्रेस में जाते हैं, बोली नहीं मम्मी सर ऐसे बोलते ही है। ऐसा क्यों, मतलब बोलने का क्या कारण है कुछ आपको लगा? वो वहीं से दबी बातें करते थे, अब हम लोग तो वहाँ से जाते नहीं थे, बस यही कुछ हुआ होता था तो यहाँ पे फोन करके बोल देते थे जी। तब वो पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, किस चीज के लिए उसको इतना बोलते थे। तो विद्यालय के संबंध में या उनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सर, रोजी रोटी सबकी है, अगर वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से हैं, तो ठीक है, वो अपने नौकरी पे रहे ठीक है, और जो इस तरह से हैं तो वो स्कूल में नहीं रहेंगे तो ही अच्छा है, तभी बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो स्कूल तो इसी पे तो बंद हो जाएगी। जितने बच्चे हैं हम तो जानते हैं, अगले साल सब निकाल लेंगे अपने अपने। तो आपके बच्चे को नाम काटने के लिए भी धमकी दिए हैं? नाम काटने के लिए धमकी दिए हैं। हम लोग कल यशो साहब के पास गए थे, वो बोले थे कि राजू सर के पास फोन किए थे, तो बोले थे ठीक है चलो हम उनका पास बना देंगे, और बच्चा मतलब 2-4 महीने जो पढ़ेगा, जब तक नहीं हो जाता पेपर तब तक हम अच्छे से पढ़ाएंगे उसको। इस वर्ष वो पढ़ ले, अगले साल अपना चाहे जहाँ आप दिखाइए। हाँ, वहाँ पे BA है, लेकिन वहाँ पे मतलब लड़कों का नहीं है, लड़कियों का है। अच्छा। और मेरा पहले से भी प्लान था कि हम उसमें BA में नहीं डालेंगे उसमें। आपकी बच्चियाँ किस क्लास में पढ़ रही हैं उसमें? वो 9वीं क्लास में है दोनों जी, साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ इनकी परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण कि ये अपना फीस समय से नहीं जमा कर पाती। तो इस प्रकार से विद्यालय परिवार को भी समझना चाहिए कि किसी की परिस्थिति अगर गड़बड़ है तो उनके पर्सनल कटाक्ष मत करिए, क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी ज़्यादा नहीं है विकसित,
कि आपको समझ सकें। तो इस प्रकार से ये घटना, ये मामला आपको दिखा। अगर आपको क्या लगता है, जो भी लगता है, आप कमेंट में कहिए कि विद्यालय परिवार की गलती है या गार्जियन गलती है या बच्चों की गलती है। तो आप देखते रहिए इसी प्रकार ए भारत न्यूज़।